आंध्र में एनडीए की बड़ी रैली, पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करेंगे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में एक भव्य रैली प्रजागलम जनता की आवाज को संबोधित करेंगे। इस रैली में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। रैली के बाद पीएम हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में एक भव्य रैली प्रजागलम जनता की आवाज को संबोधित करेंगे। ये 10 सालों के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों की पहली सार्वजनिक बैठक होगी। इस रैली में मोदी के साथ टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। ये पहली बार होगा कि ये तीनों नेता 2024 के चुनावों के लिए किसी रैली में एक साथ मंच पर दिखेंगे। शाम 5 से 6 बजे तक प्रधानमंत्री चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद पीएम हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश में डील डन, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 13 मई को 25 लोकसभा सीटों पर और 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके चलते प्रजागलम नाम की ये रैली विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी रैली होगी। जनसेना ने कहा कि प्रजागलम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए है। 11 मार्च को उंडावल्ली में नायडू के आंध्र प्रदेश आवास पर हुई मैराथन चर्चा के बाद एनडीए सहयोगियों ने लोकसभा और राज्य चुनावों के लिए अपनी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को सामने रखा, जिसके तहत भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नायडू ने विधानसभा चुनाव के लिए 128 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं, जबकि 16 और उम्मीदवारों के नाम अभी आने बाकी हैं। जनसेना ने अब तक 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है, वहीं भाजपा ने अभी तक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। पीएम मोदी का शेड्यूल, नायडू ने कुछ दिन पहले कहा था कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बीजेपी, जनसेना और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। नायडू ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश की प्रगति और विकास और अपने राज्य के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नायडू ने कहा कि एनडीए के नेता सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान राज्य और उसके भविष्य के हितों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। टीडीपी ने बताया कि उम्मीद है कि पीएम मोदी दिल्ली से शाम 4:10 पर गन्नावरम हवाई अड्डे पर उतरेंगे। पीएम गन्नावरम हवाई अड्डे से पलनाडु जिले तक पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेंगे और वह शाम करीब 5 बजे बोपुड़ी गांव में बैठक स्थल पर पहुंचेंगे। शाम 5 से 6 बजे तक प्रधानमंत्री चुनावी सभा में शामिल होंगे, जिसके बाद पीएम हैदराबाद के लिए रवाना होंगे।